गेहूँ लिखो, कहीं धान लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे, जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर मेरे भाई जवान लिखो रे, देश के देखो जहाँ टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो रे, देश के देखो जहाँ टुकड़े। आप लोगों तक जाएगी तो मजा दोगुना हो जाएगा। मैंने पढ़ा कि एक पैरासीटामॉल डिस्प्रीन के लिए, अच्छा उत्सव भाई सुनिएगा, एक पैरासीटामॉल डिस्प्रीन के लिए, एक पैरासीटामॉल डिस्प्रीन के लिए कोविड में पल्स भाग की कभी पास आई थी वैक्सीन के लिए। तो ये बनारस है, बनारस में मस्ती हर कदम पर मिलती है, बस आपको मजा लेना है। देखिए इस मुशायरे को कामयाबी तक ले चलना है। बड़े भाई अश्फाक अहमद डब्लू साहब हैं, इरफान भाई हैं, इमरान भाई हैं, इन लोगों की मेहनत आपको दिख रही होगी, ये व्यवस्थाएं दिख रही होंगी। तो कम से कम हम इस मुशायरे को कामयाबी तक ले चले। और इस बीच लता मंगेशकर जी के दत्तक पुत्र और अच्छे समाज से भी इमरान अरमान अहमद साहब भी पधारे हैं, इसी परिवार का हिस्सा है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ये बनारस है, यहाँ मस्ती हर कदम पर दिख रही है। आप देखिए मजा लेने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है। अगर आप ज्ञानवापी तक जाना चाहते हैं, आप मैदागिन से चढ़िए या गोदौलिया से चढ़िए। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग अर्थ लेकर के जा रहे होते हैं। आपने अगर गलती से भी उनके पीछे मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया, बनारसी आदमी अर्थी कंधे पे लिए लिए पीछे पलट के बोलेगा, ऐसे पहले जइबो का। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बनारस है, बस आपको मजा लेना है कि धीरे धीरे बात पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया। नहीं यहाँ धीरे 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 समझ में आता, धीरे में कुछ अच्छा। जब से मोदी जी सांसद बने, आप देख रहे होंगे हर चौराहे पर लाल बत्ती पीली बत्ती लग गई है। लगी पहले भी थी, दरोगा जी आपको जानते ही हैं, लगी पहले भी थी, लेकिन पहले कभी कभी जलती थी, कभी नहीं जलती थी। आजकल जलती है लाल बत्ती तो रुकना पड़ता है, न रुके तो पता नहीं कौन कौन सी धारा चालान काट दिया जाए। हाँ एक बुढ़िया लाल बत्ती जल रही थी, रास्ता पार कर गई बेचारी, जल्दी में थी, हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकती। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, बोला एक दादी तब्बे से सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता। अब बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, हे बेटा ये उम्र सीटी सुने के थोड़े है। क्या बात है भाई, ये मस्ती की बात है, बस मजा लेना है आपको, और कुछ करना नहीं। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया। आजकल जो है, मैं बड़ा मुख्तसर बोलूंगा क्योंकि लंबी फहरिस्त है, एक भी शायर अगर बिना पढ़े यहाँ से चला गया तो मेरे लिए घातक हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि वो अधमरा सांप और बिना पढ़ा हुआ कभी बड़ा खतरनाक होगा। ये मैं गुजर चुका हूँ, मैं बढ़ रहा था। आजकल कहे कि हर चैनल वाले घबराते हैं, भाई जाहिर सी बात है हर सरकार में ऐसा ही होता है, कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोलता है। हमको क्या पड़ी, हम क्यों बोलने जाए सरकार के खिलाफ, सरकार बहुत अच्छी है। पिछले दिनों एक चैनल का प्रोग्राम था, तो चैनल वाले एक दिन पहले विषय देते हैं, उस विषय पर कविता करनी होती है उस टॉपिक में। तो मुझे जब फोन आया दैनिक साहब, तो उन्होंने कहा कि दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आप बनारस से आते हैं, मोदी जी का क्षेत्र है, जरा बात ख्याल रखिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। मैंने कहा रुपया गिर रहा है उसमें मोदी जी की क्या गलती है, रुपये की गलती है वो गिरा क्यों, मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मैंने बताने की कोशिश की, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क काफी दूर है, 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में ये किसका मशहूर है, 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है, रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है। मोदी जी क्या कर सकते हैं, मोदी जी कोई गलती नहीं है, सारी गलती रुपये की, वो गिरा क्यों।
वाह वाह वाह। सब लोग कहते हैं कि हास्य के कवि हैं, कुछ वीर रस के लिए नहीं लिख सकते हैं। 15 अगस्त का दिन है आज, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं भाई। हास्य के कवि वीर रस की भी कविता कर सकते हैं। और जब मैं वीर रस पढ़ूंगा तो यकीन मानिए दरोगा जी के हाथ खुल जाएंगे जो बांध के बैठे हुए हैं। सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ कि जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। ये वीर रस की कविता, लेकिन वीर रस का कभी तो हुई नहीं। आपने ठीक किया। सर, मुझे नया नया शौक लगा बाल बढ़ाने का। मेरे प्रेरणा के स्रोत बड़े भैया हैं, आदरणीय शंभु शिखर जी, तो ये इनको देख के मैंने बाल तो बढ़ा लिया, लेकिन ये भूल गया कि लंबे बालों के कारण अक्सर लोग जुओं की समस्या से त्रस्त रहते हैं। ये अनुभव मुझे तब मिला जब मेरे खुद के बाल लंबे हुए, तो मैंने एक दवाई बनाने की कोशिश की। अच्छा, एक एक शब्द पे ध्यान चाहिए आप लोगों का। बड़ी बहन सत्या सिंह जी बैठी हुई है, आपने बड़ा अच्छा किया है बाल छोटे रखे। तो मैंने एक दवाई बनाने की कोशिश की, सुनिएगा, एक एक शब्द पे आपका ध्यान चाहिए, एक भी शब्द अगर आपने मिस कर दिया दवाई काम करेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। सुनिएगा, फटे हुए बेडॉल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति, फटे हुए बेडॉल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर भैया बाबू साहब सेठ जी माई बाप कहां जा रहे हैं आप, हुजूर भैया बाबू साहब सेठ जी माई बाप कहां जा रहे हैं आप, तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात स्याभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई, अपनी चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई उतराई, बोले कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा सवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई, जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई, अपने थक जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी एक पत्थर और एक पर्ची निकली, डब्बे से एक हथौड़ी एक पत्थर और एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मार जुओं को पकड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जब हम लोग जी न्यूज का कार्यक्रम करके आ रहे थे, देखिए डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, जब हम लोग जी न्यूज का कार्यक्रम करके मैं और प्रशांत जी आ रहे थे, तो रास्ते में जब टीटी आया टिकट चेक करने के लिए, तो मैंने उसे रोका, मैंने कहा भाई बाकी सारी सुविधाएं ठीक हैं, लगातार डेवलप हो रहा है, रेलवे भी कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन यार ये जो बाथरूम में तुम लोग मग्गा चैन से बांध देते हो, अरे इसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकान तक पहुंच सके। भाई साहब उस टीटी ने जो जवाब दिया उस जवाब पे आपकी तालियां चाहिए। उसने एकदम माफे तरोड़ के कहा कि हुजूर मग्गा चैन से बंधा है, आप थोड़े बंधे हैं, आप अपने मकान को आगे पीछे खिसका लीजिए। एकदम उलट स्थिति है। मैं आखिरी चार मिसरे देकर के बैठना चाहता हूं, सुनिएगा। मैंने कहा कि चूंकि मैं उर्दू का भी तालिबे इल्म हूं, मैंने ग्रेजुएशन किया है उर्दू से। इमरान भाई बता रहे थे कि दमदार यार शादी हो जाती है तो शादी के बाद बेगम भले ही हूर की परी मिल जाए, जन्नत की परी मिल जाए, हूर मिल जाए, लेकिन यार एक कसक जो दिल में रहती है वो कभी नहीं जाती। तो उन्होंने जो बात बताई मैं आप लोगों तक रख करके बैठता हूँ। उन्होंने कहा कि धरे जब शाम को बादे सबा की याद आती। अच्छा, अब उशामा सुनो। भले जब शाम को बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है, और मेरी खातिर भले ही पूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल हुदा की याद आती है। बहुत शुक्रिया।